अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डायरी पे आज की डेट है 28 नवंबर, डे सैटरडे, और नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उर्दू का। उर्दू का आज हम करेंगे लिखाई हरूफ़ तहजी चे, किताब सफ़ा नंबर 33। इसका सी वर्क और एच वर्क हम नोटबुक पर राइट करेंगे। पेज पर हम आज की डेट डालेंगे और जमात का काम लिखना शुरू करेंगे। हरूफ तहजी है चे। चे हम तीन लाइंस पर लिखते हैं, नीचे वाली तीन लाइंस पर ऐसे चे, और इसके अंदर तीन नुक्ते हम लगाएंगे चे। इस तरह हम लिखेंगे चे, तीन नुक्ते इसमें लगेंगे, साथ साथ आप इसे पढ़ेंगे चे, ऐसे ऐसे आप लिखेंगे चे चे, साथ साथ आपने पढ़ना भी है इसे चे। चे तीन नुक्ते इसमें आप लगाएंगे चे। चे चे इस तरह ये एक लाइन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लाइन पर भी हम चे लिखेंगे, नीचे वाली तीन लाइंस पर आप लिखेंगे और इसके अंदर तीन नुक्ते लगाएंगे चे, साथ साथ आपने इसे पढ़ना भी है चे 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 नीचे वाली तीन लाइंस पर आप लिखेंगे। इस तरह हमारा ये जमात का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे घर का काम। घर के काम में भी हम लिखेंगे हरूफ तहजी चे। चे नीचे वाली तीन लाइंस पर हम लिखेंगे ऐसे, और इसमें तीन नुक्ते लगाएंगे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चे तीन नुक्ते लगाएंगे, साथ साथ आपने इसे पढ़ना भी है चे 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 चे, साथ साथ आप इसे पढ़ते जाएंगे चे चे। नेक्स्ट लाइन पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, नीचे वाली तीन लाइंस पर आप इसे लिखेंगे और इसके अंदर तीन नुक्ते लगाएंगे चे, ऐसे चे 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 चे, ऐसे आप इसे साथ साथ पढ़ते जाएंगे चे चे। इस तरह हमारा जमात का काम और घर का काम मुकम्मल हो गया, और आपने अच्छे तरीके से ये लिखना है, और साथ साथ आप इसे रीड भी किया करें ताकि आपको अच्छी तरह याद भी हो जाए। शुक्रिया।